हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स एग्जाम का पेपर कल हो गया है 12 जनवरी को। जी हाँ दोस्तों, इसका पेपर बहुत लेट हुआ है, बट इसका पेपर हो चुका है। फ्रेंड्स, हम इसका कट ऑफ देखने वाले हैं इस वीडियो में, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि आखिरकार इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। और दोस्तों, आपको यहाँ पर 6 रीजन देखने को मिलेंगे जो कि आपके कट ऑफ को कम या ज्यादा कर सकते हैं, वो भी 100%। तो डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, आपको रीजन एंड आपका कट ऑफ भी बता दिया जाएगा कितना जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि वीडियो आती है पसंद तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहां पर मैंने उन सभी रीजन को लिख रखा है जो कि आपके एग्जाम के कट ऑफ पर बिल्कुल 100% प्रभाव डालने वाले हैं, इफेक्ट डालने वाले हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने टॉप 5 रीजन को लिख रखा है और छठवां रीजन में वो आपको बता दूंगा। फ्रेंड्स आप देखेंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा फर्स्ट रीजन क्या, पदों की संख्या। जी हाँ दोस्तों, आपका एग्जाम कोई भी हो उसमें सबसे बड़ा फैक्ट यदि कोई डालता है, इफेक्ट डालता है, तो वो पदों की संख्या की आखिरकार आपका कट ऑफ किया जाएगा, कम जाएगा ज्यादा जाएगा, आपके पदों की संख्या से डिसाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स, आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या गया था, इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है कि आपका कट ऑफ क्या जा सकता है, इससे आप एक अनुमान लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों पेपर का लेवल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर खतरे में लिखा है, रेड में लिखा है, आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, इफेक्ट पड़ाता है कि आखिरकार क्या जा सकता है आपका कट ऑफ। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, आपने यदि इस बार का पेपर दिया है, एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स का एग्जाम दिया है, तो आपको पता होगा कि इस बार इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो बहुत ही चालाकी से बनाया गया है पेपर। जैसे कि फ्रेंड्स आपको पता होगा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि उसमें लास्ट 1 ईयर तक का करंट अफेयर्स आएगा। बट यदि आप 2015 का करंट अफेयर्स लाने लगे तो दोस्तों वो हिस्ट्री बन जाती है, ना कि करंट अफेयर्स। अब दोस्तों यहाँ पर जो 2-3 साल से रेगुलर तैयारी कर रहा है, कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, तो हाँ एक मान सकते हैं कि उन लोगों ने वो क्वेश्चंस कवर किए होंगे 2015 की, क्योंकि वो लास्ट ईयर से तैयारी कर रहा है 2-3 साल से। बट अभी जिसने कंटिन्यू की है 2019 में ये स्टार्ट किए, 6 महीने, 2 महीने, साल, तो दोस्तों इतना लंबा कोई नहीं सोचता कि हाँ भाई 2015 का करंट अफेयर्स भी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही अलग माइंडसेट के साथ पेपर बनाया गया है। और जैसे कि आपको पता होगा, एक्ट का यहाँ पर इस बार क्वेश्चन कम ही देखने को मिले हैं लास्ट ईयर की अपेक्षा। तो यहाँ पर भी दोस्तों पेपर का लेवल हम इजी तो बिल्कुल नहीं कह सकते, हाँ जे है कि मॉडरेट टू हाई बोल सकते हैं, आपका पेपर का लेवल इजी नहीं बोल सकते। नेक्स्ट आता है क्या, आरक्षण। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर ग्रीन में दिख रहा होगा कि आपको पता होगा एस सी एस टी को तो पहले से ही आरक्षण था, बट आपका जो ओबीसी है आपको आरक्षण 29% कर दिया गया है आपके एमपीपीएससी में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है आपको इसका, आरक्षण का। तो दोस्तों इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है आपके कट ऑफ पर कि आखिरकार आपका कट ऑफ क्या जा सकता है। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ फॉर्म्स, फॉर्म्स कितने भरे हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे भी बहुत ज्यादा डिसाइड हो जाता है कि आखिरकार आपका कट ऑफ कितने जाने वाला है, कितना कॉम्पिटिशन है, ऐसा भी बातें। अब नेक्स्ट आता है लास्ट सेटवा पॉइंट। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारा लास्ट ऑनेस्ट क्या, छठवा फैक्ट क्या दोस्तों, कि आपको पता होगा आपने कहीं पेपर दिया है तो करीबन ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हैं जिनमें सभी को डाउट है। जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे सबको डाउट है, ये तो आपके क्वेश्चन या फिर अलग कर देगा आयो, या फिर इनके बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है आपके कट ऑफ पे। यदि अलग होते हैं तो दोस्तों आपका कट ऑफ ज्यादा भी जा सकता है, बोनस मिलता है तो आपको इसका लाभ भी मिल सकता है आपका कट ऑफ में। तो फ्रेंड्स ऐसा भी हुए 6 फैक्ट कि आखिरकार वो कौन से 6 फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम पर प्रभाव डालेंगे। अब हम बात करते हैं कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपका कट ऑफ किया जा सकता है आपके प्रारंभिक एग्जाम का। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कैटेगरी वाइज। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम आ गए अगली स्लाइड में, और सबसे पहले हम बात करते हैं यूआर कैटेगरी का। जैसे कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे लिख रखा है आपका कट ऑफ, ताकि आपको ज्यादा टाइम बर्बाद ना करना पड़े। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो यूआर कैटेगरी का कट ऑफ है यहाँ पे मेल का है दोस्तों। यदि आपने मार्क्स बनाए हैं 65 से लेकर 67 के बीच, जी हाँ दोस्तों 65 से लेकर 67 के बीच,
तो दोस्तों विश्वास मानिए, आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है। आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपके मेंस की तैयारी करें, क्योंकि इस समय दोस्तों आपको पता होगा फॉर्म्स और आपके वैकेंसीज की संख्या खूब कर दी गई है। आपको पता होगा 533 हो चुकी थी आपकी वैकेंसी की संख्या, हालांकि लास्ट पहले जब आई थी ओपन हुई थी इतनी नहीं थी, बट बढ़ा दी गई है, तो आपका कट ऑफ कम जाएगा। लास्ट ईयर से तो कम जाने वाला है, तो यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बेझिझक अच्छी तैयारी कीजिए आपके नेक्स्ट लेवल की। और बात करते हैं कि फीमेल का क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स फीमेल से यदि आपके 65 से लेकर 66 के बीच नंबर आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन भी श्योर है, इतना यदि स्कोर है तो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट, जो कि है ओबीसी कैटेगरी। हाँ तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपके ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ। तो दोस्तों आपको बता दें एमपीपीएससी 2019 प्रीलिम्स में यदि आप ओबीसी कैटेगरी से मार्क्स ला रहे हैं कितने, मेल कैटेगरी से दोस्तों 62 से लेकर 65 के बीच। जी हाँ फ्रेंड्स, 62 से लेकर 65 के बीच। अब दोस्तों आप लोग ये नहीं सोचना कि कुछ भी, दोस्तों आपको बता दें आपका कट ऑफ इससे ज्यादा कहीं आपको देखने को मिल जाए, एक आधो नंबर का डिफरेंस मिल सकता है, बट फ्रेंड्स इससे ज्यादा आपको कट ऑफ बिल्कुल सियोरिटी है कि देखने को नहीं मिलेगा। रीजन है कि वैकेंसीज की संख्या भी ज्यादा है, और दूसरा रीजन आपको आरक्षण मिलना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको आरक्षण मिलना है, सबसे बड़ा फैक्ट यहीं पे पड़ने वाला है, इसलिए आपका कट ऑफ कम जाएगा इतना, 62 से लेकर 65 के बीच यदि ये हैं आप, तो बिल्कुल बेझिझक होकर तैयारी कीजिए आपके मेंस की, आपका सिलेक्शन श्योर है होने वाला। अब बात करते हैं कि आखिरकार फीमेल का क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स फीमेल का आपके ओबीसी मेल से ज्यादा जाने की संभावना है, क्योंकि आपके जो लास्ट ईयर का कट ऑफ है वो फीमेल का ज्यादा गया था, तो फ्रेंड्स इस बार भी ज्यादा जाने की चांसेस है यहाँ पर, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं कि ज्यादा जाएगा। रीजन ये है दोस्तों कि इस बार वैकेंसीज की संख्या बढ़ के आई है, तो आपका कट ऑफ कम भी जा सकता है। ओके, तो ये तो हुआ दोस्तों कि ओबीसी का क्या जाएगा, आपका मेल का 62 से लेकर 65 के बीच, और आपका फीमेल का 63 से लेकर 66 के बीच। यदि आपका इतना स्कोर है तो बिल्कुल डोंट वरी, यू आर सेफ। चलिए अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट कैटेगरी का। हाँ तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं अगली स्लाइड में, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी कैटेगरी एससी। तो दोस्तों आपको बता दें यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप फीमेल मेल हैं, तो दोस्तों यदि आपने स्कोर गेन किया है कितना, 59 से लेकर 61 के बीच। जी हाँ दोस्तों, 59 से लेकर 61 के बीच। तो दोस्तों यू आर सेव, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा इतने में, आपको इतने से ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं दोस्तों, आपका बिल्कुल 100% सिलेक्शन होने वाला है। आप नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें आपके मेंस एग्जाम की। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि फीमेल का क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको बता दें फीमेल में बहुत से बहुत 1 से लेकर 2 नंबर का डिफरेंस रह सकता है, ज्यादा नहीं, आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है। ओके, तो ये तो हुआ एससी का। अब चलिए हम बात करते हैं एसटी का। तो डियर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम आ गए हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें आपको दिख रहा होगा एसटी कैटेगरी। तो दोस्तों बात करते हैं एसटी। तो डियर फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप यहां पर स्कोर बना रहे हैं 58 से लेकर 60 के बीच, जी हाँ दोस्तों 58 से लेकर 60 के बीच एसटी मेल से, तो दोस्तों यू आर सेव, 100% आपको चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। यदि आपके इतने नंबर हैं तो आप बेझिझक होके आपके नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, आपके मेंस की तैयारी करें। अब दोस्तों बात आती है कि फीमेल का क्या जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको बता दें यदि आप फीमेल हैं तो आपका कट ऑफ यहाँ पर -2 less 2 कर देना। ओके, इतना ही रहने वाला है आपका कट ऑफ। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वन बाई वन करके हर एक कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, हर एक कैटेगरी का आपने देखा होगा, मैंने बताया है। बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। तो दोस्तों बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन का क्या जा सकता है, तो डियर फ्रेंड्स एक्स सर्विसमैन का भी आप ऐसे ही समझ लेना एसटी कैटेगरी के समथिंग, आगे पीछे 1-2 नंबर हो सकता है, ज्यादा इसका भी नहीं जाता। आपका 58 से 62 के बीच आपका रहने वाला है एक्स सर्विसमैन का कट ऑफ। यहां पर आपने सब हर एक कैटेगरी का कट ऑफ देख लिया है कि किसका कितना जाएगा। अब दोस्तों कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि जो डाउट वाले क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा, एक तो वो मांडू का महल, उसमें भी डाउट है कि आखिर कौन हो सकता है, या तो वो अलग हो सकता है या बोनस मिल सकता है उसका, है ना। और एक क्वेश्चन आपको था कौन सा, पंचायती राज में था दोस्तों, उसका भी एक डाउट वाला क्वेश्चन चल रहा है वो, कि आखिर उसका अलग किया जाएगा आयोग के द्वारा या फिर उसका बोनस दिया जाएगा। तो 2 हो गए। और एक और था दोस्तों, कौन सा क्वेश्चन है,
वो अभी मेरे को इस टाइम याद नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से डाउट वाले क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कमेंट्स की, डाउट्स वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इस टाइप से कुल 3-4 क्वेश्चन हैं जो आपके डाउट की श्रेणी में आते हैं, या तो जिनको आयोग अलग करेगा या फिर उनके बोनस मार्क्स आपको दिए जाएंगे। तो फ्रेंड्स ओके, यदि आपके मन में अभी भी कोई सवाल डाउट है तो आप बेझिझक पूछें, हम उसका रिप्लाई अवश्य देते हैं। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, ओके टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। और हाँ जी दोस्तों, एक बात और जो फॉरेस्ट की डिमांड कर रही है कि फॉरेस्ट का क्या जाएगा कट ऑफ, तो उसका भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा।